विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ मानसून सत्र, पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों की महिला विरोधी मानसिकता है, उन्हें मंत्री के रूप में पचा नहीं सकते। राहुल गांधी ने लगाए बीजेपी पर फोन रिकॉर्ड करने के आरोप, पूर्व आईटी मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद ने कहा सारे आरोप हैं स्तरहीन। अपराधियों पर योगी सरकार ने कसी नकेल, 15 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त, 139 अपराधी एनकाउंटर में किए गए थे। श्रीनगर के तेंगपोरा नूरबाग में आईडी बरामद, मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल स्क्वाड। ब्रिटेन को मिली लॉकडाउन में छूट, पीएम बोरिस जॉनसन ने की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। इराक की राजधानी बगदाद में सड़क किनारे हुआ बम धमाका, बम धमाके में 10 लोगों की मौत, 20 घायल। 20 जुलाई को खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा मुकाबला, जीत हासिल करने उतरेंगी दोनों टीमें। 2020 के एफडीआई प्रवाह में 25.4% की वृद्धि दर्ज की गई, बढ़कर $64 अरब पहुंचा। विद्युत जम्वाल ने अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म का किया ऐलान, फिल्म IB71 की शूटिंग की गई शुरू। और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अश्लील फिल्में बनाने के लगे आरोप।